हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ सुमानसी सहगल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमारे फुल मेकअप ट्यूटोरियल की है। इससे पहले हम लोगों ने बेस मेकअप के ऊपर वीडियो बना चुके हैं इसी मॉडल के ऊपर। तो अब जो हमारी वीडियो है वो आगे के प्रोसेस की है कि बेस बनाने के बाद हम लोग आई मेकअप, लिपस्टिक वगैरह किस तरीके से करेंगे, इसके ऊपर ये बाकी की वीडियो है। अगर आपने अब तक पहले वाली वीडियो नहीं देखी जिसमें हमने बेस लगाना बताया था, तो उसके लिए आप लोग उसका जो लिंक है हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहां जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। हमने मेकअप फिक्सर लगा दिया ताकि जो हमारा बेस है वो फिक्स हो जाए। उसके बाद हम लोग आई बेस लगाएंगे। आई बेस के लिए हम लोग कंसीलर का यूज़ कर सकते हैं। बाकी आई बेस जो होते हैं निक्स ब्रांड में अलग अलग भी आते हैं शेड के अकॉर्डिंग। कोई भी अच्छा जो आपको लगे आई बेस, कोई भी अच्छा कंसीलर है उसकी आउटलाइन कर दीजिए, उसके बाद उसको ब्लेंड कर दीजिए छोटे ब्यूटी ब्लेंडर से। इसके बाद हम लोग पाउडर की एप्लीकेशन और करेंगे ताकि जो बेस है वो ड्राई हो जाए, गीला ना रहे। ड्राई होने के बाद ही हम लोग जो आई शेड्स हैं उनका यूज़ अच्छे से कर सकते हैं, तब वो ब्लेंड अच्छे से हो जाएंगे। इसके बाद मैंने एक लाइट पिंक कलर लिया है जिसको मैं अच्छे से इनर से आउटर, आउटर से इनर ब्लेंड कर रही हूँ। तो किसी भी लाइटर शेड का यूज़ आप कर सकते हैं। पिंक ले सकते हैं लाइट में, येलो ले, ब्राउन ले सकते हैं, लाइटेस्ट जो कलर होगा ब्राउन में वो चूज़ कर लीजिए, ताकि एक अच्छी सी हमारे जो पूरा कवर हो जाए हमारा जो एरिया है, और एक अच्छा सा हमको जो है मतलब बेस मिल जाए बना मेकअप करने के लिए। तो इस तरीके से अब हम थोड़ा सा उससे डार्क कलर लेंगे और आउटर कॉर्नर पे लगा रही हूँ मैं, एक शेड डार्क ले लेंगे। पहले लाइट लेंगे फिर उससे थोड़ा सा डार्क शेड लेंगे। इस तरीके से हम लोग शेप क्रिएट कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे जो शेड हैं उसको डार्क लेते जाएंगे, ताकि जो हमारा आउटर है वो थोड़ा सा जो है डार्क हो जाए, इनर में हमारे जो शेड्स हैं वो लाइट रहेंगे। दोनों आइस का काम आप लोग साथ साथ करें ताकि दोनों में अंतर ना आए। इसलिए ऐसा नहीं कि एक को पूरा कर लो फिर दूसरे को, मैं साथ साथ में ही दोनों का काम करती हूँ ताकि जो शेड्स हैं वो प्रॉपर आते रहे। से आपके आई शेडो जो ब्रशेज होते हैं वो भी ख़राब नहीं होते, बार बार क्लीन नहीं करना पड़ता। अब कोई भी ग्लिटर, जैसे आप कोई शिमरी कलर लेके आईलिड पे लगा दीजिए अच्छे से। जब भी शिमरी कलर लगाएं आईज़ के ऊपर, तब अपने मिडल फिंगर का यूज़ करें। इससे जो उसकी स्टे होता है वो अच्छे से होता है, एप्लीकेशन जो होती है बहुत अच्छी होती है। तो इस तरीके से मिडल फिंगर का यूज़ किया जाता है ग्लिटर्स वाले शेडोज़ लगाने के लिए। और आप जैसे कि हमारे क्लाइंट की इच्छा थी लाइट मेकअप की, इसलिए हम लोग मेकअप को जो है लाइट रखेंगे। वैसे भी जितने कमर्शियल मेकअप होते हैं उनको लाइट ही रखा जाता है। जब हम डार्क मेकअप करते हैं तो हम मॉडल्स के ऊपर करते हैं ज़्यादातर, लेकिन जो कमर्शियल मेकअप होते हैं, जो ब्राइड्स कराना चाहती हैं, वो ज़्यादातर लाइट मेकअप ही करवाना चाहती हैं। तो इसलिए आप अपने क्लाइंट की इच्छा के अकॉर्डिंग ही आई शेडोज़ का यूज़ करेंगे। लाइनर की एप्लीकेशन कर रही हूँ, जेल लाइनर यूज़ कर रही हूँ इंग्लॉट ब्रांड का। ब्रश जो मेरा है फॉरएवर 52 ब्रांड का है आईलाइनर ब्रश। थोड़ा सा कर्व होता है इस वाले जो ब्रश में, तो एप्लीकेशन अच्छे से हो जाती है। बाकी आप स्ट्रेट ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग तरह के ब्रशेज आते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल हो ऐसा ही ब्रश आप लोग परचेज कर सकते हैं। जब भी आप लोग लाइनर निकालें तो उल्टे ब्रश से निकालें बाहर, ताकि जो लाइनर है वो क्या हो, ख़राब नहीं होता, क्योंकि जेल लाइनर जल्दी से ड्राई हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। हाईलाइट एरिया पे मैंने थोड़ा सा शिमर्स का यूज़ कर लिया। आईब्रोज डिफाइन कर रही हूँ मैं PAC ब्रांड के आईब्रो डिफाइनर से। लाइटर कलर का ही यूज़ करेंगे, बहुत डार्क आईब्रोज़ को ब्लैक नहीं करना होता। आईब्रोज़ के लिए आप लाइटर कलर का यूज़ कीजिए, ब्लैक से एक नंबर नीचे आएंगे, ब्राउन शेड में जाएंगे।
आप चाहें तो आई शेडो पैलेट में से भी आप लोग आईब्रोज के लिए कलर चूज कर सकते हैं। आईब्रोज की शेप देने के बाद हम लोग एक बार क्लीन कर देंगे। अब मैं ग्लिटर्स का यूज़ करूंगी आईज़ के ऊपर। तो ग्लिटर ग्लू लगा दिया है मैंने निक्स ब्रांड का, इसके ऊपर मैं ग्लिटर्स लगा रही हूँ। अब ग्लिटर्स लगाने के बाद हम लोग लिप लाइनर से लिप को शेप देंगे। कलर बार का रेड लिप लाइनर मैंने यूज़ में लिया है। कलर बार के लिप लाइनर बहुत अच्छे हैं, एक रेड शेड आता है इसमें और एक मैरून आता है। ये दोनों शेड आप लोग रखेंगे तो और ज़्यादा लाइनर्स लेने की नीड नहीं रहती। इसी को मैंने फिल कर दिया अंदर की साइड, ताकि जो भी मैं लिपस्टिक लगाऊं उसका स्टे जो है वो लास्टिंग उसकी बढ़ जाए। इसलिए आप जब भी लिप लाइनर का यूज़ करें उसको अंदर के साइड भी आप लोग फिल कर दें तो बेटर रिजल्ट्स आते हैं। इतनी देर में हम लोग ब्लशर का यूज़ करेंगे। PAC ब्रांड की ब्लशर पैलेट है मेरे पास, जिससे कि मैं ब्लशर करती हूँ। अच्छे शेड्स हैं इसमें, जिनको आप मिक्स करके भी लगा सकते हैं, इंडिविजुअल भी लगा सकते हैं। तब तक हम लोग मस्कारा की एप्लीकेशन कर रहे हैं, क्योंकि लाइनर जो है हमारा ड्राई हो चुका है। तो अब हम लोग मस्कारा की एप्लीकेशन करेंगे। फेक लैशेस का यूज़ करेंगे। आप PAC ब्रांड का लैशेस ग्लू ले सकते हैं, जो कि मेरे को अब तक का बेस्ट लैशेस ग्लू लगा है। बहुत अच्छा रिजल्ट है, लैशेस बिल्कुल अच्छे से स्टे करती है, उसको लगाने के बाद हटती नहीं है। हाइलाइटर का यूज़ करेंगे हम लोग हाइलाइटेड एरिया के लिए। लोअर साइड में मैं काजल का यूज़ कर रही हूँ, जिसको कि मैं ब्लेंड करते हुए लगाऊंगी। पहले मैंने काजल को फिल कर दिया है, ब्राउन काजल को। अब मैं थोड़ा सा शेडो लेके इसको बाहर की साइड ब्लेंड कर दूंगी। इससे जो लाइंस आती हैं हमारे आईज़ के नीचे, वो थोड़ा कवर अप हो जाती है, इसलिए शेडो को थोड़ा सा लगाना चाहिए आँखों के नीचे भी। स्मॉल मैं मस्कारा ब्रश का यूज़ कर रही हूँ लोअर लैशेस के लिए। अब लिपस्टिक की एप्लीकेशन कर रहे हैं हम लोग। तो कोई भी शेड जो आपको अच्छा लगे अपनी ब्राइड के लिए, जैसे कि मेरे ब्राइड को रेड शेड लगाने की इच्छा है, तो हम लोगों ने रेड शेड यूज़ किया है वेलोरा ब्रांड का। बहुत अच्छे शेड्स हैं इसके, दो शेड्स हैं रेड और मैरून, दोनों शेड्स बहुत अच्छे हैं। तो अभी हम लोग रेड शेड का यूज़ कर रहे हैं वेलोरा ब्रांड का। ब्रश की हेल्प से मैं जो साइडेड जो शेप हमारी ठीक से नहीं आ पाती, वो ब्रश की हेल्प से आप लोग ठीक कर सकते हैं। इसलिए ब्रशेस का भी अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। छोटी सी बिंदी को लगा के इस मेकअप को हम लोग जो है ख़त्म करते हैं। फ्रेंड्स, एक बार दोबारा मेकअप फिक्सर का भी आप यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा कॉन्टोर मैं पाउडर कर रही हूँ, ताकि शेप और अच्छी हो जाए। इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो कम्प्लीट हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।